जय श्री कृष्ण। मार्च 2022 में आप लोगों के सामने आके बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्द इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाने वाला है। और हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं जिस हिसाब से हो रही हैं और उस धरती उस जमी पे हो रहा है जिसका नाम है बनारस वाराणसी, भगवान भोलेनाथ अर्धनारेश्वर शिव की नगरी, उस नगरी में जो कुछ घटनाएं हुई वो दिल को दहलाने वाली है। बचपन से हम पढ़ते आए हैं, मेरे पिताजी मेरे दादाजी इन्होंने ये बताया है, अपने गुरुओं से मैंने सीखा है कि उपनिषद कहता है, वेद कहता है और श्रीमद् भागवत गीता भी कहता है, जो श्री कृष्ण भगवान वासुदेव यादव ने कही है, उसमें ऐसा कहा गया है यदि आप रास्ते पे चल रहे हैं और सामने से यदि बुजुर्ग सीनियर सिटीजन बच्चे और स्त्री अगर सामने से आ रहे हैं तो आप हट के उनके लिए रास्ता बना दें। और कल की घटना जो मैंने देखी 3 फरवरी 2022 की, जो वायरल भी हुए हैं वीडियो, कि ममता बनर्जी जी जो कि बंगाल की सर्वसम्माननीय सीएम है, ओके, वो बनारस में आई हुई हैं और उनको एक कुछ लोग हिंदू युवा वाहिनी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। काले झंडे दिखाना गलत नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, लेकिन ये सब पे लागू होना चाहिए। चाहे आप पीएम हो सीएम हो कोई भी हो, मेरा मन है किसी को झंडे दिखाना दिखाएं, लेकिन मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, आज मेरी बात अलग है। आज मैंने कहा ना ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे इस महीने में आ रहा है 8 मार्च, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ममता जी उस वीडियो में अपनी कार से बाहर निकल के खड़ी हो गई सीना तान के, कि भैया जो बोलना है ना सामने बोलो। दुख इस बात का है जो बैनर लिए थे वहां के लोग उसमें अपशब्द या अपराक्षसी कुछ नाम लिखे वो गलत है, आप थंबनेल पे जरूर देखिएगा। आज हाल फिलहाल में क्योंकि वुमेन्स डे आ रहा है तो सारे कॉलेजेस में, मैं पढ़ाता हूँ, मैं प्रोफेसर भी हूँ, ओके, तो हाल फिलहाल में मैंने देखा कि सब लोग सेमिनार ले रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि इस बात को जरूर आप उठाएं जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके। हमारे देश में इतने राज्य हैं, उन राज्यों में जब आप देखेंगे तो आज के डेट पे एकमात्र महिला जो मुख्यमंत्री है वो है श्रीमती ममता बनर्जी। और कैसा किस हिसाब को, मैं हालांकि मैं धर्म को बीच में नहीं लाता, मैं खुद सनातनी हूं, मैं सनातन हूं, सनातन मेरा धर्म है, हिंदू धर्म नहीं, मैं सनातन हूं, वो एक धर्म है, हिंदू के लिए बहुत जोर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं, और आप उनका विरोध करने के लिए नाम ले रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भगवान राम भी कहीं बैठे होंगे तो वो भी दुख होगा उन्हें इस बात को लेके, जिन्होंने सबरी जी के जूठे बेर खाए। आप एक स्त्री का विरोध कर रहे हैं, एकमात्र सीएम। मैं कहता हूं आज के डेट में अगर कोई आयरन लेडी है वो है ममता बनर्जी, खड़ी हो गई, आइए जो बोलना है बोलो, भागूंगी नहीं। और ये भारत देश सबका है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, सिर्फ आपके लोग ही आ जा सकते हैं ऐसा नहीं है, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय नंबर 10 के 34वें श्लोक में कहा है, ये भगवान की वाणी है कि मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद्भवश्यत भविष्यताम कीर्ति श्री वाक्च नारिणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। जो दूसरी लाइन है वो मैं बताता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूं, स्त्रियों में मैं ये हूं। इतना महत्व भगवान श्री कृष्ण वासुदेव यादव ने स्त्रियों को दिया है। और हमारे देश में जब पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे, ये मैं आपको लगेगा मैं फेमिनिज्म जैसा बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
और अगर है भी तो ठीक है, जो जैसा जो समझे, जिसको जो समझ में आए, कि अगर भगवान इतना तवज्जो दे सकते हैं तो ये कौन है हम जब जब केवल एक किसी का नाम लेके जय श्री राम बोल के उनका विरोध कर रहे हैं। अरे जय सीता राम बोलिए, मिठास आएगी। राधे श्याम बोलिए, प्रेम होगा, मिठास आएगी। मैं मेरी दो बच्चियां हैं आर्या आयशा, मेरे घर पे अगर कोई लड़की कहीं पे जाती है और उसका विरोध होता है इस तरह से, और कोई नाम लेता है इस तरह से किसी, मैं नाम ना लूं उसको कभी, वो नाम हो ही नहीं सकता जो विरोध कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, हमेशा इन्होंने स्त्रियों को बहुत तवज्जो दिया है और सम्मान किया है। मैं चाहूंगा कि ये गलत धारणाएं ना फैलाएं। इतनी डेयरिंग के साथ खड़ी होके उन्होंने लोगों के सामने खड़ी हो गई, डर के मारे भागी नहीं। ये है एक स्त्री का असली व्यक्तित्व, जो पूरा घर चला सकती है, वो पूरा देश भी चला सकती है, वो राज्य चला सकती है। और इतना दिन हो गया हमने, मैं जब चेक करने लगा ये घटना के बाद, मैंने चेक किया आज तक कितने सीएम्स हुए हैं फीमेल, आपको ताज्जुब होगा क्योंकि आजादी के पहले से वहां पे डेटा आया हुआ है, 10-12 लोग, दैट्स इट। बदलाव की जरूरत है, अब हमें एक पीएम भी चाहिए, वो फीमेल। और बताने की जरूरत तो नहीं है कि इस समय कौन है इतनी मजबूत। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम उनकी पक्षधारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके समक्ष और कोई है भी नहीं, ममता जी के सामने इस समय और कोई स्त्री है भी नहीं। और दुख ये बात है कि दूसरी स्त्रियां केवल देखती हैं, बोलती नहीं है। पॉलिटिकल में वो भाई विरोध है, लेकिन आप बोलो तो, ये गलत है। जो सही है सही का साथ दो, ममता बनर्जी के हम साथ हैं, और ऐसे लोगों का घनी और गहरी निंदा करते हैं जिन लोगों ने वहां पे काले झंडे के साथ साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की, गलत तरीका आजमाया। फालतू मीडिया इस चीज को नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ वो आतंकवादी भी नहीं है, वो निकृष्ट है, उनको बुद्धिहीन है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, काले झंडे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक स्त्री और एक दूसरे राज्य में जाने से अगर आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये झुंझलाहट है भैया। और यही झुंझलाहट बताती है कि 10 मार्च को क्या पिक्चर आने वाला है। श्री अखिलेश यादव जी सीएम बन सकते हैं और बन रहे हैं, ये आभास हो चुका है। फिर से एक बार ममता बनर्जी की हिम्मत दांत को मैं सराखों पे रखता हूँ, स्त्री शक्ति को, सशक्तिकरण को मैं आगे बढ़ाने के लिए जरूर वीडियोस बनाऊंगा, और मैं इस चीज को लेके आऊंगा, स्त्री का मतलब क्या होता है लोग समझ लें। जय सीताराम, जय राधेश्याम, जय हिंद।